एक बात तो है दोस्तों कि असली मजा मंजिल का नहीं रास्तों का है। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से राइडिंग गियर्स हैं जो एक बाइकर्स को लद्दाख जाने के लिए कैरी करने चाहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर गोइंग टू लद्दाख। हम लोग लद्दाख जा रहे हैं और लद्दाख जाने की जो खुशी होती है और जो मज़ा होता है, एक ट्रू बाइकर ही फील कर सकता है। वहाँ के पेड़, वहाँ के पहाड़, वहाँ की सारी चीज़ें, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है एक बाइकर्स के लिए। सो अभी हम लोग लद्दाख इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक इंटरनेशनल बाइकर्स फेस्टिवल होने वाला है जिसका नाम है द बैक आउट फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल 12,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर है, जहाँ पे नाइट कैंपिंग होगी। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी जिसमें नाइट कैंपिंग है, लाइव म्यूजिक है, हम लोगों का बाइक स्टंट शो भी जिसमें हम लोग अपने स्टंट परफॉर्म करेंगे और BMX स्टंट्स भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो अभी मैं बेसिक सी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में मैं आपको दे देता हूँ, बाकी बात जो भी लाइव एक्टिविटीज़ वहाँ पर होंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बिल्कुल दिखाऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट ब्लॉग। और अभी इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से राइडिंग गियर्स हैं जो एक बाइकर्स को लद्दाख जाने के लिए कैरी करने चाहिए। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आप अंदर की तरफ और देखते हैं राइडिंग गियर्स कौन कौन से हैं जो आपको कैरी करने चाहिए। सो गाइस, ये रहा मेरा हेलमेट का कलेक्शन। काफ़ी सारे हेलमेट यहाँ पर हैं, पर लद्दाख में कौन सा हेलमेट यूज़ होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हेलमेट जो होना चाहिए वो हमेशा लाइट वेट का होना चाहिए। भारी हेलमेट आप यूज़ करेंगे आपके सर में उससे दर्द हो सकता है। और हेलमेट हमेशा आप फुल फेस ही यूज़ करें अगर आप हाफ फेस हेलमेट यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और हेलमेट के वाइज़र में हमेशा एंटी फॉग वाइज़र लगा होना चाहिए जिससे आपकी विजिबिलिटी कम नहीं हो। और हेलमेट जब भी आप चूज़ करें वो ISI सर्टिफाइड होना चाहिए जिससे आपकी सेफ्टी बनी रहे। और अब हम हेलमेट के बाद बात करने वाले हैं जैकेट की। जैकेट कौन सी आपको कैरी करना है? और दोस्तों, ये रहा मेरा जैकेट्स का कलेक्शन। और गाइस, जैकेट कैरी करने से पहले आपको तीन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। जैकेट आपकी हमेशा लाइट वेट हो, काफ़ी भारी जैकेट होगी और अगर वहाँ पे बारिश हो गई तो जैकेट और भारी हो जाएगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और सेकंड ये कि लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसलिए आपको हमेशा जैकेट वो यूज़ करनी चाहिए जिसके अंदर विंटर लाइनर लगा हो। और जैकेट आपकी हमेशा CV2 सर्टिफाइड ही होना चाहिए जिसमें CV2 के प्रोटेक्टिंग गियर्स लगे हो, क्योंकि लद्दाख का रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ऑफ रोड है, अगर धोखे से आपका क्रश भी होता है तो वो सारे प्रोटेक्टिंग गियर्स आपको सेव कर लेंगे। और गाइस, जैकेट के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि राइडिंग बूट्स कैसे होने चाहिए लद्दाख जाने के लिए। जैकेट के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं एडवेंचर राइडिंग बूट्स की। और ये बूट्स मुझे प्रोवाइड करवाया था आगरा शू मार्ट ने, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। बेसिकली बूट्स में आपको 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो शूज़ हो वो 100% वाटर प्रूफ हो, क्योंकि लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग होती है, इसलिए वाटर प्रूफ शूज़ होना ही चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि लद्दाख में काफ़ी सारा ऑफ रोड है तो कोई भी पत्थर आपको चक्के यहाँ पर लग सकता है, इसलिए बूट्स में हमेशा स्टील टो होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एंकल प्रोटेक्शन भी, आप देख रहे हैं गोल गोल इसमें एंकल प्रोटेक्शन है जो आपकी एंकल को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ शूज़ आपका ऐसा हो जो आपको सर्दी से भी बचाए। ये शूज़ 100% लेदर से बना हुआ है, आप इसको आगरा शू मार्ट से परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, राइडिंग बूट्स के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉक्स की। सॉक्स हमेशा आप वही यूज़ करें जो 100% वाटर प्रूफ हो। यह सॉक्स मुझे विटारा गैट्स ने प्रोवाइड करवाया था जो कि 100% वाटर प्रूफ है, और साथ ही साथ ये प्योर ऊन से बना हुआ है जो कि आपको काफ़ी वहाँ की लद्दाख की सर्दी में भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि लद्दाख में काफ़ी सारी वाटर क्रॉसिंग है, इसलिए आप 100% वाटर प्रूफ सॉक्स ही यूज़ करें। सो गाइस, ये सॉक्स आप विटारा गेट्स की साइट से परचेस कर सकते हैं। सॉक्स के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं पैंट की, कि राइडिंग पैंट कौन सी होनी चाहिए। और दोस्तों, ये है DXG की राइडिंग पैंट जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप हमेशा राइडिंग पैंट वो ही यूज़ करें जो कि आपको कंफर्टेबल हो, और साथ ही साथ ये CV2 प्रोटेक्शन की होनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेक्शन गेयर्स लगे हुए हैं, इसके बैक में भी प्रोटेक्शन गेयर्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। और गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि लद्दाख में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए आप हमेशा वही पैंट यूज़ करें जिसमें विंटर लाइनर लगा हो। और पैंट के बाद गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्लव्स की, कि ग्लव्स कौन से होने चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं DXG के राइडिंग ग्लव्स, ग्लव्स आप यूज़ करने से पहले हमेशा 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि ग्लव्स हमेशा वाटर प्रूफ हो और साथ ही साथ आपको लद्दाख में सर्दी से भी बचाए। और इस ग्लव्स को आप दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लद्दाख में भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको सुपर बाइक पर भी यूज़ कर सकते हैं।
और गाइस बालाक्लावा के बाद अब मैं आपको बताता हूँ बैग कौन सा रखना है। बैग एक टैंक बैग है, मुझे गार्डियंस गेयर ने प्रोवाइड करवाया है। ये एक टैंक पर फिक्स हो जाता है और ये एक टेल बैग है जिसमें मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। और इस तरीके का बैग आप लद्दाख ट्रिप के लिए ले सकते हैं जो कि आपकी बाइक पर फिट हो जाए। दोस्तों यहाँ पर लद्दाख ट्रिप के लिए हो रही है पैकिंग और इसी बीच ये क्या है, सिल्वर प्ले बटन मेरा काफ़ी पहले आ गया था। और ये कौन सा प्ले बटन है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, इसको हम जल्दी अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी, कौन सा प्ले बटन है इसके अंदर। सो गाइस फाइनली हो गई है लद्दाख ट्रिप की पैकिंग। और जब भी आप लद्दाख जाए अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर लेकर जाए, क्योंकि लद्दाख जाने के बाद आप काफ़ी जगह वहाँ पर घूमने जाएंगे, एक्सप्लोर करने जाएंगे, जैसे कि खारदुंगला है। और खारदुंगला पास की हाइट 20,000 फीट है, मतलब वहाँ का अल्टीट्यूड है वो सी लेवल से 20,000 फीट है। वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता, तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कंपलसरी ले जाना है। अगर आप ये वहाँ पर लेके नहीं गए तो आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको वहाँ पर आ सकती है। और साथ ही साथ जब भी आप हाई अल्टीट्यूड पर जाएँ, ये टैबलेट है, इसका नाम है डाइमोक्स टैबलेट, ये आप ज़रूर लेके जाएँ। हाई अल्टीट्यूड पर जाने से पहले आप इस टैबलेट को ले सकते हैं जिससे आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ये इजीली आपको मेडिकल शॉप पे अवेलेबल हो जाएगी। सो गाइस पैकिंग हो चुकी है लद्दाख जाने के लिए और अभी हम लोग फिलहाल फ्लाइट से जा रहे हैं लद्दाख। वहाँ पे हम लोगों का स्पेंड शो है, इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी रोड कंडीशन वहाँ की ख़राब है और फ्लाइट में आपका लगेज हमेशा 15 kg का होना चाहिए, और इसलिए मैं इसका वेट कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, वेट मशीन पर रखा नहीं था, तो इसकी मैंने एक देसी जुगाड़ निकाली है। सबसे पहले इसके अपन ऐसे बाल्टी रखेंगे और उसके बाद बाल्टी के बाद इसके ऊपर बैग रखेंगे। सो इस तरह से मैंने वेट किया है मेरे लगेज का जो कि 14 किलो के आसपास आ रहा है। ठीक है, 15 kg तक ले जा सकते हैं फ्लाइट में। सो आपको जुगाड़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या हो गया इमरान भाई? अरे चप्पल जुड़े जल्दी से जोड़ो, एयरपोर्ट पे दूंगा ना। 20-30 हज़ार रुपये के राइडिंग गियर्स चप्पल बेबी क्विक से जोड़ जोड़ के नई ले लेते ना भाई। नहीं के बजट नहीं। सो गाइस फाइनली वी आर गोइंग, अब हम लोग घर से निकल रहे हैं, कैब हमारी बाहर आ गई है और बाय बाय करते हैं हमारी कार्स को और बाइक्स को, मिस करेंगे। और ये इफ्तिकार भाई, इफ्तिकार स्टंट राइडर फ्रॉम रायसेन, कैब आ गई हम लोगों की और अब हम लोग निकल रहे हैं लद्दाख के लिए। गाइस फाइनली कैब आ चुकी है हम लोगों की और अब हम लोग निकल रहे हैं भोपाल से लद्दाख के लिए।